नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर शहडोल से है, जहां सीएम ने कोटमा में मंच पर ही अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने कहा कि यह भाषण का समय नहीं है, बल्कि जनता की समस्या के समाधान का समय है। मंच से जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से सीएम ने जनता के सामने सवाल जवाब किया। सीएम ने कहा कि मैं सभी विभागों की मॉनिटरिंग करूंगा, यदि लापरवाही मिली तो कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने उज्ज्वला, राशन व अन्य शासकीय योजनाओं की समीक्षा की है। सीएम शहडोल में नगर पालिका चुनाव को लेकर गांधी चौक में सभा को संबोधित किया और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के जनता से आशीर्वाद मांगा। सीएम ने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की राजनीति करती है। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे और उधर महाराष्ट्र और गोवा में कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। भाजपा की सरकार ने शहडोल को दर्जनों सौगात दिए हैं, कांग्रेस कभी इस ओर सोचती भी नहीं है। भाजपा ने शहडोल को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। सीएम ने कहा कि शहडोल की चिंता ना करें, अभी स्मार्ट शहडोल, ग्रीन शहडोल और हाईटेक शहडोल बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। कांग्रेस तोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, भारत को अगर तोड़ा तो कांग्रेस ने ही तोड़ा। आजादी के समय से 1947 में आपको ध्यान होगा, भारत इस पक्ष में नहीं था कि देश का विभाजन किया जाए, भारत बांटा जाए, लेकिन जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करके हिंदुस्तान को तोड़ने का अपराध और पाप किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उनका राज था, शहडोल को अपमानित करने का काम किया गया था, शहडोल तोड़ दिया गया था और जनता उस समय मांगती थी कि जिला भले अलग बन गए हो लेकिन शहडोल का सम्मान लौटाने के लिए शहडोल को संभाग बना दो। कांग्रेस की जब तक सरकार रही उन्होंने कभी शहडोल का सम्मान वापिस नहीं लौटाया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन के आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आते ही हमने फैसला किया कि विराट नगरी का गौरव और सम्मान लौटाया जाएगा, शहडोल को संभाग बना के दिया जाएगा। शहडोल के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। शहडोल के मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, बेटे बेटियों, आज शहडोल का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है और विकास के जितने काम शहडोल में हुए हैं, आप कल्पना कीजिए, आपने मांगा शहडोल में मेडिकल कॉलेज चाहिए, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। अगर शहडोल को मेडिकल कॉलेज दिया तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आप कल्पना करो, कोविड के समय अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो शहडोल की हालत, शहडोल की जनता की हालत क्या होती। इधर वाले भी तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, नगर पालिका भाजपा की बनाएंगे, तो आइए शहडोल आज फिर संकल्प लेगा कि हम बीजेपी को ही जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद मांगिए भारतीय जनता पार्टी। शहडोल में जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, चाहे संभाग बनाना हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, शहडोल के आंतरिक सड़कों का निर्माण हो या बाकी भी सारी व्यवस्थाएं हो या गरीब कल्याण और शहर के विकास के काम हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। आगे अब शहडोल को ग्रीन शहडोल, स्मार्ट शहडोल और हाईटेक शहडोल बनाना है, इसलिए मैंने जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, बीजेपी के पार्षदों को जिताए और बीजेपी की नगर पालिका बने।